तो इसलिए है क्योंकि भगवान के भक्त भगवान का अनन्य सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनका जो भी इच्छा है भगवान पूरा करते हैं, और जितना भी ऐश्वर्य है उनके पास रहता है। हालांकि भक्तों का इच्छा नहीं रहता स्वर्ग की प्राप्ति, भौतिक दुनिया में ऐश्वर्य, मुक्ति की प्राप्ति, ये सब इच्छा नहीं रहता, पर भगवान दे देते हैं। तो इसलिए भक्तों को आध्यात्मिक ऐश्वर्य तो है, उसके साथ साथ भौतिक ऐश्वर्य भी भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए भक्त अपना समय व्यर्थ नहीं करता भौतिक पदार्थों के पीछे, भौतिक ऐश्वर्य के पीछे। अरे भगवान की सेवा करो, भगवान सब दे देंगे, कृष्णा विल गिव एवरीथिंग। इसलिए आप कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण बहुत देंगे। जैसे क्रिश्चियंस होते हैं ना, वो चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड, हे भगवान मुझे रोज का चपाती दे दो, आज का चपाती दे दो। तो प्रभुपाद बोलते थे ये बहुत अच्छा प्रार्थना है, बट बहुत श्रेष्ठ प्रार्थना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के पास जाके ब्रेड क्यों मांग रहे हो, भगवान के पास जाके भक्ति मांगो, भगवान ऐसे ही ब्रेड देंगे। तो जो पशु पंक्षी है वो मांगते भी नहीं है भगवान से, भगवान उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो अपने भक्तों का क्यों पालन पोषण नहीं करेंगे। तो हमको क्या मांगना है, भगवान की भक्ति मांगना है, और भगवान बाकी सब हमको प्रदान करेंगे। तो इसलिए हमको समय भगवान की भक्ति में लगाना है, बाकी जो भी ज़रूरत है भगवान ऑटोमेटिकली प्रदान करेंगे। अगर हमने बहुत सक्सेस भी पा लिया आध्यात्मिक दुनिया में या भौतिक दुनिया में, सक्सेस और श्रेय पाया है, पर हमको केयरफुल रहना है किसके प्रति, भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना है, क्योंकि भक्तों के प्रति अपराध करेंगे जो भी पाया है सब खोलेंगे। जैसे हाथी मद अपराध बोलते हैं, जैसे अगर कोई खेती कर रहा है और जंगली हाथी आ गया तो क्या करेगा, एक ही घंटे में पूरा खेत को उखाड़ देगा, सब डिस्ट्रॉय कर लेगा, है कि नहीं। तो वैसे ही अगर हम बहुत मेहनत करके भक्ति का पौधा उगा रहे हैं, फिर भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, तो जितना भी हमने प्रगति किया है सब मिट जाएगा।